एक बार बाहर कर दो इनको सबको। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। भैया मैं नागपुरी से आई हूं यहां पर, और मेरे को ना आधार कार्ड में संशोधन कराना है, ठीक है? तो ये रोज कह रहे हैं 2 दिन से इतने बच्चे आओ, आज आए 25 टोकन हो गए। हमें चाहती हूँ कि भैया कल का टोकन हमें आज मिल जाए, तो कल हम इस हिसाब से आ जाएँ कि भाई चलो कल हमें, आप कल हम आए और उससे पहले कोई और जने आ गए तो हमें तो फिर वो वापस पीछे जाना पड़ेगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि भैया कल का टोकन आज मिल जाए हमें, और भैया बच्चे भी छोटे हैं और रोज़ आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। लगभग कितने आदमी यहाँ खड़े होंगे? हम कम से कम 30-40 औरतें थी कम से कम। ठीक है, आपका नाम बताइए। मेरा नाम पूर्णिमा कश्यप। सर इस समय मैं कलेक्ट्रेट में खड़ा हूँ, यहाँ पे आधार कार्ड अपडेट के लिए कम से कम 100 से 50 आदमियों की लाइन लगी है। इन्होंने यहाँ से खाली 25 से 30 आदमियों को टोकन वितरित करने की व्यवस्था कर रखी है, जिसमें सिर्फ 25 ही इन्होंने लौट। पब्लिक आप भी देख रहे हैं यहाँ पे कितनी खड़ी है, लेकिन इनमें से आधे से आधों को भी टोकन नहीं मिले। कोई 8 बजे आया, कोई 7:30 बजे से यहाँ बैठा है। प्रशासन को कम से कम ये करना चाहिए, तो पहले जो बैंकिंग सेक्टर में इन्होंने दिए थे वो चालू करे, ई मित्र की सेवाएं वापस से चालू करे, अन्यथा ने यहाँ पे कम से कम 5 बजे तक का वर्कआउट टाइम है, इसके अंदर कम से कम टोकन की संख्या है तो बढ़ाए। क्या है लगभग कितने होंगे यहाँ पे? यहाँ कम से कम 50 से 100 आदमी के बीच में तो है भैया। आपका नाम? आशीष बोल रहा हूँ। हाँ सर, हम वैशाली नगर से आए हैं, और हमारे आधार कार्ड का जो संशोधन वगैरह करवाने हैं, ये इसके लिए हम आज 3 दिन से हम परेशान हो रहे हैं। रोज़ सुबह 7:30 बजे 7:30 बजे लाइन में लगते हैं, और यहाँ ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो 150-200 आदमी रोज़ आ जाते हैं, और ये 25 से ज़्यादा ये मतलब फार्म देते नहीं है। अब पब्लिक वैसे की वैसे साहब परेशान होकर के रोज़ घर से काम धंधा छोड़ करके परेशान होकर के हम निकल जाते हैं, और हमारा कोई काम ही नहीं हो रहा साहब। तो अब या तो आप इनको आधार की जो मतलब संख्या 25 के बजाय 50 करे, 100 करे, ये बढ़ावे, या नहीं तो मित्र पे मतलब चालू करके, ताकि मतलब इसको पब्लिक क्या मतलब अपने इसका भी मतलब ख्याल नहीं रख रही है, और मतलब अपना इसीलिए आप थोड़ा इसको मतलब संख्या को बढ़ाई जाए, या ई मित्र वालों को कहे कि ताकि मतलब ये उसमें मतलब वो कर देवे, तो ताकि मतलब पब्लिक परेशान नहीं हो। कौन सी जगह है ये? अपना अटल सेवा केंद्र कलेक्ट्री है। कब से खड़े हैं आप और कितने लगभग आदमी हैं? देख लो 150-200 आदमी है, महिलाएं आदमी करके 150-200 आदमी हैं, और 25 से ज़्यादा इन्होंने मतलब फार्म दिए नहीं है, और इसीलिए आप मतलब सब परेशान होकर के वापस जा रहे हैं साहब। यहाँ तो कहते हैं हमारे आधार का जो संशोधन है उसमें आधार का मतलब नंबर है, ये हम मोबाइल नंबर अपडेट करवाना है, और ये क्या मतलब इसका काम है? आपका नाम? मेरा नाम दुर्गालाल सेन। 9:30 से 10 बजे के बीच टोकन मिलते हैं, डेली के 30 आधार होते हैं, उसमें 25 नॉर्मल बंदे हैं, 5 सीनियर सिटीजन हैं, तो सबको अपना टोकन मिल चुका है, 30 बंदों को उनका टाइम मिल चुका है, बाकी पब्लिक है उनको कल आना पड़ेगा। आपको क्या टारगेट दे देगा क्या? हाँ सर, अभी ये कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन की वजह से एक साथ भीड़ भी नहीं कर सकते हैं, तो डेली के 30 ही आधार के लिए बोला हुआ है। कब से शुरू हुआ आधार? ये हुआ अभी परसों से, मंडे से होगा। काफ़ी पब्लिक आ रही है? काफ़ी पब्लिक आ रही है। आज क्या हुआ? आज चल रहा है ना सर, टोकन दे दिए, लेकिन पब्लिक अपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ही नहीं कर रही है, सारे अंदर इकट्ठे हो रहे हैं, हम काम कैसे करें, इसलिए सारी भीड़ वगैरह। आपका नाम? रामपाल सिंह रावत, विष्णु रावत।